अभी हम मौजूद है प्रेस कॉलोनी में, जहां पर आईसीडीएस वर्कर्स के जानिब से प्रोटेस्ट बड़ा सा देखने को मिल रहा है। ये प्रोटेस्ट आपने देखा होगा कि वादी कश्मीर में बहुत सारी जगहों पे हुआ, सोपोर की बात करें या कल अनंतनाग की बात करें, तो आज यही प्रोटेस्ट जो है श्रीनगर लाल चौक प्रेस कॉलोनी में हुआ। इनकी मांग ये है कि अगर रिटायरमेंट हो भी जाती है तो एज एक्सटेंशन हो या उसके बाद जो है पेंशन दिया जाए, और क्या कुछ डिमांड्स हैं इनकी, इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है हफीज़ा, मैं ईदगाह से हूँ। हमारी एक ही मांग है, ये जो डिसंगेज का मसला है ना, ज़्यादा हम इसीलिए सड़कों पे आए हैं। ये अगर मैं अनमेरिड हूँ ना, मेरी शादी हो गया, मेरी नौकरी हो गई अपॉइंटमेंट वार्ड 5 में, अब शादी हो गई वार्ड 6 में, ये कहता है डिसंगेज करो। क्यों करेगा डिसंगेज? कि नहीं लिखा है इस वक्त आर्डर पे, इनको अगर शादी हो गई दूसरे वार्ड में, इनको डिसंगेज करो। क्यों नहीं लिखा? क्यों करेगा हमें खामखा डिसंगेज? क्या हम मुँह बांध के बैठेंगे? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे देखिए वो गवर्नर साहब लड़ाई क्या होगी। क्या औरतों के पेट पर लात मारते हैं? अगर हम हिंदुस्तान के साथ है तो क्या है? ये जुल्म क्यों करते हैं हमारे साथ? हम कहते हैं अगर हमें वार्ड 5 में शादी हो गई, वार्ड 4 में मेरा ऐप वार्ड 4 में ही भेज दो। देखेंगे क्यों करेगा। और दूसरी बात है रिटायरमेंट की, और रिटायरमेंट तो होना ऐसा 60 साल के बाद रिटायरमेंट ज़रूरी है। एक तो आंगनबाड़ी वर्कर को 5 लाख मिलने चाहिए और आंगनबाड़ी हेल्पर को 3 लाख। हम खाली हाथ क्यों रिटायर हो जाएंगे? और रही तीसरी बात पेंशन की, हर एक महकमे में पेंशन है, बाहर भी पेंशन है, इंडिया में हर जगह पेंशन है। हमें खाली हाथ ये रिटायर क्यों करेगा? हम नहीं कहा जिसको हमें 10-10 लाख पेंशन दो, 60-60 हज़ार पेंशन दो, कम से कम दवा के लिए तो पेंशन होनी चाहिए। 5,000 4,000 से कम नहीं होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा अहम मसला है ना डिसंगेज का। अगर हम डिसंगेज का आपको सबसे बड़ा भी मसला है? बिल्कुल, सबसे बड़ा मसला बहरान है ये एलजी के लिए डिसंगेज का। हम इस वक्त अनमेरिड थी, हमारी शादियाँ दूसरे वार्ड में हो गई, हमें क्या पता है तकदीर कहाँ है? ये क्या मोदी लिख के आया है किस आंगनबाड़ी वर्कर को तकदीर की जगह है? पहले क्यों नहीं लिखा है इस आर्डर में? पहले इनका तकदीर देखो। हम मुसलमान हैं, हम कहाँ से लाएंगे अपना तकदीर खुद? ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर मैं अनमेरिड थी, मैं लगी ना, मेरी अपॉइंटमेंट हो गई वार्ड 5 में, मगर शादी हो गई वार्ड 6 में, डिसंगेज क्यों करेगा? क्यों छीनेगा 30 साल के बाद मेरा हक? हमने 30 साल, 20 साल, 15 साल हमने आंगनबाड़ी के लिए इतनी मेहनत की है, दिन रात मेहनत की। इलेक्शन ड्यूटी आंगनबाड़ी वर्कर, पालिस पोलियो आंगनबाड़ी वर्कर, ये सेंसेस आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्थ चेकअप, हर कोरोना बेबी, बिल्कुल हर एक काम आंगनबाड़ी वर्कर के लिए। आज डिसंगेज क्यों करेगा हमें? रिटायरमेंट खाली हाथ क्यों करेगा? क्या हम खामोश बैठ गए? जब तक ना हमारा मसला हल हो जाएगा, एक सबसे बड़ा मसला डिसंगेज, ये हम मानने के लिए कभी तैयार नहीं है। अगर हम कोर्ट की बात करें तो आप कल भी जैसे कि सुनने को मिल रहा है कि आप कोर्ट गए थे, तो वहाँ पर क्या किया? कोर्ट में भी अभी सुनवाई नहीं आई है, अभी नहीं पता है क्या क्या कोर्ट ने। हम वहाँ जाके भी कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे और सेक्रेटरी का भी दरवाज़ा, हम दिल्ली तक जाएंगे, मगर ये मोदी का ये कानून हम मानने के लिए तैयार नहीं है, ना एलजी साहब का ये कानून मानने के लिए तैयार है। एलजी साहब से पूछ, आपने लाडली बेटी क्यों रखी है? बेटी बच्चा, हम भी बेटियाँ हैं, हम बेटियों को जन्म देते हैं। जब हमारा ही रिजिक छीन जाए तो बेटी को हम कैसे पालेंगे? हम कैसे पढ़ाएंगे बेटी को? 21 साल के बाद वो कुछ पैसे निकलेंगे इस बेटी के लिए, तब तक हम क्या करें इस बेटी के लिए? आप देखें ना यहाँ की महंगाई, कितना जुल्म है। हम एलजी साहब से इतनी ही गुजारिश करते हैं, एक तो ये वापस लेना ये आर्डर डिसंगेज का, दूसरा हमें रिटायरमेंट है वर्कर के लिए 5 लाख, हेल्पर के लिए 3 लाख, और कम से कम हमारा पेंशन रहना चाहिए 5,000, 5,000 से कम। बाकी शुक्रिया। हम थक गए ये प्रोटेस्ट करते करते। हाल ही में एलजी सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, उन्होंने बोला है कि 60 साल के बाद यहाँ पे वर्कर और हेल्पर रिटायर हो जाएगी। नो डाउट रिटायरमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ जॉब, लेकिन वो जॉब जो परमानेंट जॉब्स होते हैं, चलिए अच्छी बात है अगर आप उनको रिटायरमेंट भी देनी है, लेकिन उनको सोचना चाहिए 40 साल के बाद, 50 साल के बाद कैसे हम इनको खाली हाथ निकालेंगे। ये इतना बड़ा जो हिंदुस्तान दावा देता है, इतने बड़े ख़जाने के मालिक है, जो कहते हैं लाडली बेटी स्कीम करो, वो लड़कियों को मजाक करते हैं, वो बेटियों को मजाक करते हैं। वो कहते हैं मैंने महिलाओं के हकूक़ में आपको बहुत दर्जा दिया है। अगर वुमेन्स एम्पावरमेंट पावर है तो कहाँ पे है? हमारी इतनी बुजुर्ग माएँ, बहनें, बेटियाँ जो ये कहती है कि हम खुदकुशी करेंगे, उसके ज़िम्मेवार एलजी सरकार होंगे। इसीलिए हम आज का हमारा प्रोटेस्ट है, एक एचआर पॉलिसी वापस ले लीजिएगा। दूसरा ये कि ये कहते वार्ड वाइज जो हमें, देखिए उस रोज़ तो हमें नहीं पूछा था, मैं तो एक वार्ड की थी, जैसे से फॉर एग्जांपल मैं ज़ैना कदल से हूँ, मैं बिया बन के गई सोबरा, आज तो इन्होंने पॉलिसी बनाई। ये क्या करते हैं? यहाँ पे इतना अंधा कानून है। हम तो खुद लड़ेंगे, हमें अब इतना आ गया, हम इतने परेशान हो गए। हम कल कोर्ट भी गए थे, हमने अपनी डिमांड्स वहाँ पे हमने अपने वकील साहब से बात की। हमारे ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, एक इंसान के अपने हकूक़ होते हैं और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। बस यही हमारी डिमांड है। एचआर पॉलिसी, अगर रिटायरमेंट है तो उनको कुछ 3 लाख 4 लाख, आज महंगाई आसमान को छू रही है, उनको पेंशन दीजिए। और अगर ये वार्ड वाइज है, ये तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, ये इनजस्टिस है। हम बेटियों की स्कीम है करते हैं, बेटियों को पॉलिसियाँ, इलेक्शन रोल होता है तो हमें कहते हैं चलिए ड्यूटी दीजिए, डेथ बॉर्न होती है तो चलिए निकले। हम तो क्या, हम फिलहाल स्ट्राइक पे, हम रोज़ सड़कों पे आएंगे, हम रोज़ सड़कों पे आएंगे। हम देखेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री योजना सरकार जो हमें अच्छी स्कीमें देते, हम आपकी वसादत से उन तक आवाज़ पहुंचाना चाहते। हमारे साथ इंसाफ करो। अगर हम यूटी के साथ हैं, अगर हमें क्लियर होना चाहिए, अगर JNK में यूटी है तो हमारे साथ, हमने अपने वकील साहब से बात की, हम लड़ते लड़ते हम मर जाएंगे। हम लड़ने वाली है, हम डट कर काम करने वाली है। हमारा साथ पूरा इंसाफ, पूरी जस्टिस होनी चाहिए। बस यही हमारा मुद्दा है।